आज हम बात करेंगे भारत में इंटरनेट के सफर की। इस 15 अगस्त को भारत में इंटरनेट को आए 28 साल हो जाएंगे। जी हाँ, 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड ने देश में पहले कॉमर्शियल इंटरनेट की शुरुआत की थी, लेकिन इसके कनेक्शन के लिए लैंडलाइन फोन की जरूरत पड़ती थी। उस समय इंटरनेट होना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, स्टेटस सिंबल माना जाता था। तब डायल अप कनेक्शन में कॉमर्शियल कैटेगरी में 9.6 kbps स्पीड के लिए 25,000 रुपए चुकाने पड़ते थे। वहीं लीज लाइन लेने पर कॉमर्शियल कैटेगरी में 6,00,000 रुपए सालाना देने होते थे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो देखिए कि 1 GB डेटा करीब 54 रुपए में आसानी से मिल जाता है। वहीं उस दौर में लोग अक्सर इंटरनेट कैफे में जाया करते थे इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए, और वो भी संख्या बहुत कम होती थी लोगों की। जबकि अगर आज की हम बात करें तो देश में करीब 66 करोड़ इंटरनेट यूजर्स। इसके अलावा 1995 में सिर्फ सत्यम इन्फोवे एक ISP प्रोवाइडर कंपनी थी, वहीं आज भारत में 500 से ज्यादा ISP प्रोवाइडर कंपनीज हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं। पहले लोग सिर्फ कंप्यूटर पर ही इंटरनेट यूज करते थे, लेकिन आज हर शख्स के पॉकेट में इंटरनेट है, और आपके पास भी इंटरनेट है तभी आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा भारत में ही मिलता है, और इसके अलावा एक और खास बात है कि विश्व में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर वाला भारत दूसरा देश है। आज हम डिजिटल इंडिया यूं ही नहीं कहलाते हैं,